Our today's guest, Mr. Vandile sir and Pratik Burle sir, arrive in our coaching premises. So welcome them with thunder of applause. खादी मेरी शान है, कर्म मेरी पूजा है। खादी मेरी शान है, कर्म मेरी पूजा है। सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरा धर्म है और हिंदुस्तान मेरा धर्म। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर गेस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ टूडेज प्रोग्राम टू गार्लैंड द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी। थैंक यू सर। कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी गैदर हियर टुडे? या ऑडियंस आर करेक्ट। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग 117th birth anniversary of Lal Bahadur Shastri and 152nd birth anniversary of Gandhi ji. Lal Bahadur Shastri वो भारत के दूसरे पंतप्रधान और गृहमंत्री भी रह चुके हैं और गांधी जी उनको अपने देश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। गांधी जी ने कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने जीवन में अहिंसा का प्रयोग किया और उन्होंने कई आंदोलन भी लिए। Now, without taking your further time, I would move to the next part of the program. Hello, friends. My name is Harshada Kandode. I am studying in 7th standard. Today, I am delivering the speech of Mahatma Gandhi Jayanti. Na aan desh ki, shaan desh ki hum santaan hai. Aan desh ki, shaan desh ki hum santaan hai. Tino rango se ranga tiranga, yahi apni pehchan hai, yahi apni pehchan hai. जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधी जी बहुत सरल व्यक्ति थे। उनकी सरलता को दिखाने के लिए मैं कुछ लाइन ही बोलना चाहूँगा। सत्य अहिंसा का था पुजारी, सत्य अहिंसा का था पुजारी, कभी न जिसने हिम्मत हारी। सांस दी हमें आज़ादी की, सांस दी हमें आज़ादी की, जन जन है जिसका बलिहारी, जन जन है जिसका बलिहारी। अब मैं वैष्णवी पिसे को उसके भाषण के साथ आमंत्रित करता हूँ। बापू के सपनों को फिर से सजाना है, बापू के सपनों को फिर से सजाना है, देकर लेहू का कतरा इस चमन को बचाना है। बहुत गा रहे हमने आज़ादी के गानों को, बहुत गा रहे हमने आज़ादी के गानों को, अब हमें भी देशभक्ति का फर्ज निभाना है, देशभक्ति का फर्ज निभाना है। गुड मॉर्निंग एवरी वन, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स। इट्स विद ग्रेट प्राइड एंड ऑनर आई वॉन्ट टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट फादर ऑफ अवर नेशन मोहनदास करमचंद गांधी। आई वॉन्ट टू कंक्लूड सेइंग दैट द लाइफ ऑफ गांधी महात्मा गांधी इज एन ओपन बुक। व्हेनेवर वी लर्न हाउ टू अप्रोच लाइफ इन नॉन वायलेंस, ही लिव्ड फॉर कंट्रीज बेटरमेंट एंड ही डेड फॉर इट। बस जीवन में ये याद रखना, सच और मेहनत का सदा साथ रखना। बापू तुम्हारे साथ है, हर बच्चे के पास है, सच्चाई जहाँ भी है वहाँ उनका वास है, वहाँ उनका वास है। थैंक यू। जगावे असे की मरने अवघड होईल, हसावे असे की रडणे अवघड होईल, हसावे असे की रडणे अवघड होईल। कोणाशीही प्रेम करणे सोपे आहे, कोणाशीही प्रेम करणे सोपे आहे, पण टिकवणे असे अवघड होईल। थँक यू। नेक्स्ट आय वुड लाईक टू कॉल कुमारी प्रिशा डोवेट टू डिलिव्हर हर स्पीच। आज के कार्यक्रम में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि तथा मेरे प्यारे दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए कुछ खास है क्योंकि इस साल हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों महापुरुषों का जन्मदिन। वाकई में ये तो दूध में शक्कर का काम हो गया या तो फिर सोने पे सुहागा। इन दोनों महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा संघर्ष किया, अलग अलग जगहों पर आंदोलन सत्याग्रह किया। गांधी जी का आंदोलन केवल राजकीय आज़ादी पाना इसके लिए समर्पित नहीं था, तो दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, इन सब को समान न्याय और स्वतंत्रता देना, ये गांधी जी के जीवन का मकसद था। गांधी जी ने हमें एक अलग ही वैचारिक आज़ादी दी है। वो कहते हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये जो इनके विचार है वो हमारे लिए आज भी लागू होते हैं। अगर सिर्फ हम इतना करेंगे तो बुरी चीज़ को शेयर मत करो, लाइक्स मत करो, इतना भी किया तो काफ़ी है। दोस्तों, गांधी जी की वैचारिक ताकत के आगे अच्छे अच्छे की गिली हो गई है। गांधी जी अपने अपने वो तूफान थे
इसीलिए इंग्रज उन्हें मुसीबत का नाम महात्मा गांधी ऐसे कहते थे। गांधी जी इतने महान थे कि आज़ादी के लिए बड़ा संघर्ष किया, लेकिन लहू एक भी कतरा गिरने नहीं दिया। इसीलिए कुछ पंक्तियाँ मेरे ऑटो पे आती है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ गद्दारों को यह हजम नहीं हुआ। उन्होंने इनके खिलाफ अप्रचार किया। पश्चिम बंगाल में कहा गया था कि सुभाष चंद्र बोस का विरोध करते थे, सुभाष चंद्र बोस को आगे आने के लिए गांधी जी विरोध करते थे। यह महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते थे। उत्तर प्रदेश में मालवीय दीनदयाल शर्मा इनका विरोध करते थे। पंजाब में भगत सिंह का विरोध करते थे। तो लोगों ने यह भी कहा था कि भगत सिंह की फांसी रोक सकती थी अगर गांधी जी कुछ कहते तो। लेकिन ये सब गलत विचार है। गलत इतिहास हमारे सामने रचा गया है और उसी गलत विचारधारों के कारण गांधी जी को मारा गया। गांधी जी ने सिर्फ शरीर से प्राण त्याग किया, लेकिन वो अब भी विचारधारों के कारण हमारे बीच जिंदा है। कौन कहता है गांधी जी मर गए, कौन कहता है गांधी जी मर गए, अरे कहने वाले मर गए, अरे कहने वाले मर गए। ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत ही है धर्म वतन का, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। ना ही इधर की ना ही सेंटर की, आज हम बात करेंगे गांधी जी के विचार की। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मास्टर गुरुकांत वांदिले टू डिलीवर स्पीच। देश की आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, देश की आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, सत्य और अहिंसा के मार्ग ने उसने अंग्रेजों को भगाया। चलो आओ मिलकर मनाते हैं उनका जन्मदिन, जिसने हमारे देश को बीड़ियों से आज़ाद करवाया। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स, रिस्पेक्टेड सर एंड द ऑनरेबल चीफ गेस्ट। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट महात्मा गांधी। टुडे इज़ द डे ऑफ द प्राउड नीड, बिकॉज टुडे अ ग्रेट इंडियन leader and politician and a freedom fighter Mahatma Gandhi was born. Mahatma Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi, and starting when Mahatma Gandhi was small, they were so habited to read the books, and because of this habit Mahatma Gandhi read so much book. When they were small, they read the Mahabharata, Ramayana and the numbers of book. And when Mahatma Gandhi was 13 years old, their marriage was done, because they at that time the old era was there. And Mahatma Gandhi's dream was to become a barrister. So when they was 19 year old, they went to the London, because they was from a rich family. So at the London Mahatma Gandhi studied the law. And when Mahatma Gandhi come back to the India, they started finding job, and they conquered job in the Indian company, but they want to go to the South Africa. When they went to the South Africa, but Mahatma Gandhi's good quality was there, that at which country they were going, they were just leading and the joining the library of that country and start reading their country, other country, or where they was reading books. So when Mahatma Gandhi reached to the South Africa, there was the condition so critical, because there was the also discrimination. So Mahatma Gandhi started fighting in the South Africa, and they fought for the people of the South Africa till 21 years. And after that Mahatma Gandhi came to the India, and when they came to the India, they also start
स्टार्ट सो मेनी सत्याग्रह हियर. आई सल्यूट द पीपल हु फॉट फॉर अवर फ्रीडम ऑफ इंडिया. जय हिंद जय भारत. अब मैं वैष्णवी डडमल को उसके भाषण के साथ आमंत्रित. आदरणीय प्राधानाचार्य महोदय, उप प्राधानाचार्य महोदय, प्रमुख अतिथि और मेरे साथी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है. आज मैं आपके समक्ष श्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे महापुरुष के बारे में बताना चाहती हूँ. भला लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन नहीं जानता है, इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है. हालांकि देश की इतनी सेवा करने के बाद भी इन्हें अन्य नेताओं की अपेक्षा में कम सम्मान और पहचान मिला है. सारा देश इनके बारे में यही जानता है कि वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वरिष्ठ नेताओं में से एक थे. भले ही वो एक बहुत ही क्षमतावान और प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने सदैव अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया. जिनके ही दृढ़ अनुशासन से वह पाक हिंद से हारा था, जय जवान जय किसान यह इनका ही तो नारा था. इसलिए दोस्तों, इस महान व्यक्ति के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. खादी मेरी शान है, कर्म मेरी पूजा है. खादी मेरी शान है, कर्म ही मेरी पूजा है. सच्चा मेरा कर्म है और हिंदुस्तान मेरी जान है. गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं. गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग टू everyone gathered here on the occasion of Mahatma Gandhi Jayanti. I am Vaishnavi Sanjay Ladi. Heartily welcome you to celebrate this momentous day. First of all, I would like to give tribute to Mahatma Gandhi ji. Good morning, respected Vandile sir, Pratik Burile sir, and all my dear friends. Myself Prachina Raine, and today we all gather here to celebrate 152nd birth anniversary of Mahatma Gandhi ji. So I would like to say few words about Gandhi Jayanti. धोती वाले बापू की ये ऐसी लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने ना बंदूक चलाई थी. सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी. चिल्ड्रन एक्ट इन प्ले एंड टेल द स्टोरी ऑफ गांधी जी. गांधी जी लेड द सत्याग्रह मूवमेंट एंड ही फॉट टू फ्री इंडिया. गांधी जी वॉज सिंपल मैन. ही वॉज वियरिंग सिंपल ड्रेस. He weaved his own cloth prepared on hand wheel. He led our nation in our fight for the freedom. Truth and non-violence were his only tools in this fight against the British. His way of fighting was Satyagraha. He taught us to be honest and truthful. Before I conclude my speech, I would say सत्य अहिंसा परो धर्म से जो फिरंगियों को धूल चटाए. बापू का जन्मदिन है आज. जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. जय हिंद जय भारत. सो आई वुड लाइक टू से सम लाइंस ऑन गांधी जयंती. महानायक वो आज़ादी का अटल अहिंसावादी था. गोरों को भारत से मार भगाया. जिसके तन पर वस्त्र खादी था. दिस इज गांधी जी 152 बर्थ एनिवर्सरी. बिकॉज ऑफ इट स्ट्रगल इंडिया इंडिपेंडेंस. Netaji Subhash Chandra Bose gave him the name of a father of the nation. I would like to say some lines before end my speech. अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, खुद से उनको यह आस था. शरीर में ताकत नहीं थी, पर मन में आजादी का विश्वास था. Thank you. Have a nice day. Jai Hind Jai Bharat. My friends, we all know that 2nd October. In
we celebrate 2nd October as Gandhi Jayanti in India. But however, 2nd October is celebrated as Non-Violence Day internationally in all over the world. सत्य अहिंसा का ठाव पुजारी कभी न जिसने हिम्मत हारी सत्य अहिंसा का ठाव पुजारी कभी न जिसने हिम्मत हारी सास दिन हमें आज़ादी की जन जन है उसका आभारी जन जन है उसका आभारी ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो ऐसे जियो कि तुम कल मरने वाले हो ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो हमेशा के लिए जीने वाले हो Good morning, good morning, respected Vanila sir and Burila sir and all my dear friends. मैं मानवता में विश्वास मत खोइए मानवता सागर की तरह है मानवता में विश्वास मत खोइए मानवता सागर की तरह है अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सागर गंदा है इसका मतलब ये नहीं कि सागर गंदा है We pay tribute to Mahatma Gandhi on his memorial at Rajpath in Delhi. Raghupati Raghav Raja Ram, which of the favorite bhajan of Gandhiji, make us feel his divine power. Gandhiji was one of the renowned leader of India's independence movement. Now I invite our chief guest of the program, Master Pratik Burle, to motivate us with his word. So, good morning everyone, honorable sir, and all my dear friends. I am very happy that all of you have gathered here to celebrate and commemorate the birth anniversary of Mahatma Gandhi and Lal Bahadur Shastri. We know that these two great men played very important role and significant role for making our India independent. This political leader, the second Prime Minister of our India, Lal Bahadur Shastri, have given us a very beautiful slogan, Jai Jawan, Jai Kisan. Come on, loudly say, Jai Jawan, Jai Kisan. But it is very important to know that is there a need of this slogan or not. Today, there is not only the need of this slogan, but there is a need of the action on this slogan. Mahatma Gandhi had sacrificed their life in the name of the nation. So that today we are calling him as a father of our nation. Because he sacrificed everything. He was belonging to the merchant family, but he did not choose the way they were living in that era. He changed his way only for us. Now recently, if you have heard the news that Taliban have captured Afghanistan, but can you observe that is there a country who can dare to capture India? In coming hundred of years, in this world, no one has dared to capture India, and this has become possible only because of these people. Whenever I see the history of our India, I feel very proud to be an Indian. Whenever you go to listen the history, the people like Mahatma Gandhi, Lal Bahadur Shastri, Savitribai Phule, Chhatrapati Shivaji Maharaj have laid great impact on the history of our India and so that our future of the India is safe. So we must be proud to be an Indian. And we must also know that we are celebrating this day not only in the remembrance but to learn something both from these persons and this personality. We must learn the principles followed by the Mahatma Gandhi. Now the youth generation are very confused. Today they are deciding something and tomorrow they are forgetting. But we must learn something from Mahatma Gandhi that when they decided that today I am quitting the clothes of Britishers. He decided from today I will not wear so and he was till his death he did not wear that cloth when he decided. But today the youths are deciding that today I will study, today I will do something from my schedule. But again the next day same. We must change the sequence. We must change the sequence of our thinking. On this day, we are not here just to listen that Gandhiji was born on some day and he was died. But we must follow the principle of the Mahatma Gandhi. We can safely say that Mahatma Gandhi was only the originator of non-violence. But today, if we observe that day to day, the violence is increasing in this country. Recently in the news,
वी हैव सीन द पुणे न्यूज मुंबई न्यूज लॉट ऑफ क्राइम इज हैपनिंग विद द वीमेन्स वीमेन्स आर नॉट सिक्योर फीलिंग सेफ इन दिस कंट्री एंड एक्चुअली देयर इज अ नीड ऑफ सच टाइप ऑफ पीपल नाउ इन दिस एरिया बट इट शुड नॉट हैव हैपन बट अनफॉर्चुनेटली आई एम वेरी सैड टू से दैट दैट टुडे इज द नीड ऑफ महात्मा गांधी टुडे इज द नीड ऑफ लाल बहादुर शास्त्री who have laid their life for us. So here, today's message on the Mahatma Gandhi's Jayanti and Lal Bahadur Shastri's Jayanti is very clear that we as a student, as a responsible citizen of this country, must follow the principles. Not if you are not ready to follow someone else's principle, then you have to make your principle and you have to last forever on that. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Pratik sir, for your motivational speech. Now I invite Mr. Jagdish Vandile, of the director of the program, to guide us with his word. Are you okay, all the guys? Do you feel bored? Or you are enjoying program? You enjoy the program? Respected Pratik Gurule sir, and respected all my student, colleagues, friends, and we can say good learner. Good observer. Today, I can say it's a very warm morning that is cumulated here on the occasion of birth anniversary of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi born 152 years before in this India. 9-year-old, 10-year-old, 11-year-old. He was a simple boy. He had no such a daring. But when he was 13-year-old, he got married. Later on, he decided to go to England for further education. And he spent 3 years in his life in England. Later on, he got some boldness. Because, you know, my friend, situation behind you, condition behind you, what kind of circumstances you face in your life, that circumstances behind your life, behind your career, behind your thoughts. Okay? And Mahatma Gandhi got a stepping stone in the England. He took a lot of knowledge. He faced so many problems. And he came to know, I have to do something different. Later on, he came back to India. He started his career in law. He decided to spend his time as a lawyer, but he did not get success. So he went to South Africa. He spent so many years in South Africa. And he fought for Indian people. But he started his small career, but when he came back from South Africa to India, he sat in the compartment of railway. Some people expelled him from the railway compartment. He thought, why did they expel me? उन्होंने मुझे यहाँ से क्यों खदेड़ा है, क्यों अकेला है? He thought so much on this particular topic. उस समय क्या हुआ? कि उनके जो मान सम्मान आत्मसम्मान रिस्पेक्ट था उसको झटका पहुंचा बिकॉज उनको रेलवे से हकाल दिया गया था खदेड़ दिया गया था थ्रो कर दिया गया था फेंक दिया गया था जब इंसान के मान सम्मान आत्मसम्मान स्वाभिमान को झटका पहुंचता है तो इंसान सोचने में मजबूर होता है महात्मा गांधी थॉट सो मच ऑन दिस टॉपिक उनके पास उनको बहुत गुस्सा आया ही गॉट सो एंग्री एट ए टाइम फिर उन्होंने निर्णय लिया कि मेरे को जो भी गुस्सा आया उस गुस्से को मैं ऐसे ही व्यर्थ में जाने दूंगा उसके बारे में उस गुस्से को मैं मेरे एनर्जी का सोर्स बनाऊंगा उस पॉइंट से कुछ लर्न करने वाली बात है उनसे कि उन्होंने उस गुस्से को एनर्जी का सोर्स बनाया और उन्होंने डिसाइड किया यू एक्सपेल मी फ्रॉम द रेलवे बट इन माय लाइफ आई विल एक्सपेल यू फ्रॉम माय कंट्री ही डिसाइडेड ओन इट बाद में वो इंडिया आए गोपाल कृष्ण गोखले को मिले वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय एज पर माई नॉलेज आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट हिम बाद में महात्मा गांधी ने कपड़े चेंज किए पहले ही चेंज हिज क्लोथ्स पहले वो सूट बूट पहनते थे लेकिन उन्होंने पहला त्याग किया कपड़ों का उन्होंने जो सिंपल कपड़े थे खादी के ही और सिंपल क्लोथ्स ऑफ खादी और देखो त्याग देखो किसको बोलते हैं अगर हमने कुछ प्रण किया हमारे लाइफ में कि कल परसों से मैं ये नहीं करूँगा या हर दिन मैं 8-6 घंटे पढ़ाई करूँगा बैठ को 5 बजे उठूँगा 4 बजे उठूँगा हमारा प्रण 2-4 दिन में ख़त्म हो जाता है
दो चार दिन बड़े मुश्किल से उठ पाते हैं, बड़े मुश्किल से पढ़ाई कर पाते हैं, बड़े मुश्किल से कुछ सोच पाते हैं, और कुछ 5-6 दिन हो गए, कोई दोस्त भाई आया, टीवी में कोई अच्छा पिक्चर आया या कुछ अलग से कुछ सिचुएशन आई, तो हमारा प्रण क्या हो जाता है, ख़त्म। लेकिन महात्मा गांधी ने मरते दम तक वही कपड़े पहने, उसको बोलते प्रण, उसको बोलते संकल्प, उसको बोलते डिटर्मिनेशन। तो हमें महात्मा गांधी से वो पॉइंट पे क्या पढ़ना है कि उनका डिटर्मिनेशन क्या था। बाद में उन्होंने देश के लिए काम शुरू किया, ही रोम्ड एंटायर इंडिया, ही स्टडीड ऑल कैटेगरीज ऑफ पीपल, ही सॉ पॉवर्टी, ही सॉ प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, ही सॉ प्रॉब्लम ऑफ पीपल पब्लिक, ऑल द पीपल, ऑल द थिंग्स। बाद में उन्होंने पूरे देश में ट्रैवलिंग करने के बाद उन्होंने सोचा कि हमें ब्रिटिश को देश से खदेड़ना है, लेकिन दूसरा उन्होंने एक वेपन ढूंढ के निकाला, हाउ टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। उनको मालूम था वी कांट विन देम बाय वेपन, हम उनको शस्त्र से नहीं जीत सकते क्योंकि उनके पास शस्त्र ज़्यादा है, हमारे लोगों के पास नहीं है। तो महात्मा गांधी ने नया आइडिया, नया फंडा ढूंढ के निकाला, नॉन वायलेंस, अहिंसा, और अहिंसा के माध्यम से लोगों को भाषण दे के गाँव गाँव जाके एकत्रित किया, चले जाओ एजिटेशन ड्रू उन्होंने निकाला, मालूम है, लोग एक जगह जमा हुए, लोगों को कन्विंस किया, लोगों को स्पीच दिया, लोगों का आत्मसम्मान जगाया। फिर ने क्या, महात्मा ने डिसाइड किया कि एक हमें दांडी यात्रा निकालनी पड़ेगी, कम से कम 400 किलोमीटर डिस्टेंस मैं पैदल चलूंगा। ब्रिटिश लोग उनके अगेंस्ट में थे, उनको पता था कि महात्मा गांधी को हम दांडी यात्रा निकालने नहीं देंगे, निकालने देंगे तो लोग एकत्रित होंगे और हमारे खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन ब्रिटिश लोगों को मालूम था कि ये बुढ़ा है, उसकी उम्र 60 के ऊपर हो चुकी है, ये 400 किलोमीटर नहीं चल पाएगा। ऐसा किन को लगा, ब्रिटिश लोगों को लगा। लेकिन महात्मा गांधी अलग टाइप का आदमी था।